देख सकते हो, वैरायटीज ऑफ टी शर्ट्स आप प्रिंट कर सकते हो एक बिजनेस स्टार्टअप के लिए। राइनस्टोन प्रिंटिंग में भी आ सकते हो, तो डिजिटल पिलोस कर सकते हो, मेटल वाले प्लेट्स पे प्रिंट कर सकते हो, 3D मोबाइल कवर्स का ओवरव्यू देख सकते, दिखा सकते, अवार्ड्स प्रिंटिंग है, बैग्स प्रिंटिंग है, नेशनल फ्लैग देख सकते हो आप स्टोन के ऊपर प्रिंट किया हुआ है, मग्स प्रिंटिंग है, मग्स में वैरायटीज ऑफ मग्स आप देख सकते हो, ग्लिटर मग्स है, उसके बाद ग्लॉसी मग्स है, व्हाइट मग है, टी कप, ये पूरे ग्लिटर MDF फ्रेम्स प्रिंटिंग है, घर में जो टाइल यूज होता है उसके ऊपर प्रिंट कर सकते हो, उसके बाद जो है ID कार्ड्स हो जाएंगे, LED लैंप्स के ऊपर कर सकते हैं, LED लाइट्स डिस्प्ले बोर्ड्स के ऊपर, उसके बाद मेटल प्लेट्स के ऊपर शीट्स भी प्रिंटिंग कर सकते हो, ये MDF शीट है। अच्छा, ये हमारा कंपनी का डिटेल्स देख सकते हैं, इसमें हर तरह का फैब्रिक प्रिंट हो जाएगा, जूता शूज येलो टी शर्ट पे हम लोग इस मशीन में आपको प्रिंट करने वाले हैं। ये रहेगा पर किसी तरह की जी अलग अलग टाइप की डाइस होती है, ये देखिए और इस पर लगा देंगे आपका मोबाइल कवर रेडी हो जाएगा, ये वाली फोटो के साथ में डिटेल वगैरह वो सारा प्रिंट कर सकते हैं। मशीन्स देंगे, मोबाइल कवर प्रिंटिंग मशीन, टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन, 5-in-1 फॉर्मो मशीन और मग मशीन। नमस्कार दोस्तों, अनिल ऑनलाइन इंडिया में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से देखिए, दोस्तों यहाँ पर देखिए सारे आपको देखिए मोबाइल के देखिए कवर होते हैं, कवर पर प्रिंट किया जाता है, रॉ मटेरियल भी आपको मिलता है, मशीन वगैरह भी आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इनके बारे में आपको जानकारी देने से पहले आपको इस ऑफिस के जो ओनर है उनसे आपको मिला था। सर जी कैसे हो? बढ़िया 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 सर जी। तो सर जी हमारे व्यूअर्स को इस कंपनी के बारे में बताइए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो अनिल ऑनलाइन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, और जो ब्रांड पे सर आप लोग दिखा रहे हैं या लेके आए वो है 99 सब्लिमेशन, द्वारका सेक्टर 7 में है, रामफल चौक में, 11 सालों से यहीं पर है ऑफिस, 11 साल पुराना ब्रांड है और नंबर 1 है स्टार्टअप्स में। नियर मेट्रो स्टेशन कौन सा है? नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो द्वारका सेक्टर 9 का भी है और पालम का भी है। तो सर जी हमारी व्यूअर्स को बताएं कि आप कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं, क्या क्या सर्विस देते हैं उसके बारे में बताइए। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करें तो आप मेरे हाथ में ब्राउचर देख रहे हैं, ये 99 सब्लिमेशन का है। सबसे पहले हम लोग डील करते हैं 99 सब्लिमेशन ब्रांड का फ्रेंचाइजी में, ठीक है। आप भारत में कहीं भी बैठे हो, कोई भी कोने में हो, गांव में हो, शहर से हो, टाउन से हो, सिटी से हो, कहीं से भी हो, आपको अगर फ्रेंचाइजी लेना है 99 सब्लिमेशन का तो आपको 99 सब्लिमेशन ऑप्शन दे रहा है कि आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो। अब हम डील करते हैं स्टार्टअप्स में। फ्रेंचाइजी में हम क्या देंगे? मशीन्स देंगे, मोबाइल कवर प्रिंटिंग मशीन, टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन, 5-in-1 फॉर्मो मशीन और मग मशीन। एक फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने के लिए जो भी स्टार्टअप लगता है पूरा देंगे और साथ में ब्रांड भी देंगे। अगर आपको फ्रेंचाइजी नहीं लेना है, आपको अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, देन ऑल्सो एक ऑप्शन है। उसके लिए आपको जो है आप क्या कर सकते हो, मशीन्स लेके खुद का एक ब्रांड भी एस्टेब्लिश कर सकते हो। सही, 2-in-1 है, दूध एसेसरीज हमारा एक ब्रांड है जिसमें हम मोबाइल एसेसरीज भी बेचते हैं, ये ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसका भी ओपन है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको ये देखिए मोबाइल जो कवर होते हैं उसका रॉ मटेरियल भी चाहिए तो रॉ मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर जैसे कि इस तरीके से देखिए डिजाइन वगैरह भी आपको चाहिए तो डिजाइन वगैरह भी आपको मिल जाते हैं दोस्तों, और जब भी आप मशीन वगैरह लेते हैं दोस्तों उसके साथ में ये डिजाइन वगैरह फ्री देते हैं ना सर जी? डिजाइन भी फ्री देते हैं और ट्रेनिंग भी फ्री देते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर अच्छे से आपको गाइड भी किया जाएगा, मशीनों के बारे में बताया भी जाएगा किस तरीके से वर्क करती है, और यहाँ पर टी शर्ट वगैरह पर किस तरीके से प्रिंट किया जाता है। जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो दोस्तों इनके बारे में आपको ये पूरा जानकारी देंगे दोस्तों। और सर जी जैसे कि हम बात करें तो आपके पास में कौन सी मशीन मिल जाती है इसके बारे में बताइए। मशीन जो है मोबाइल कवर प्रिंटिंग मिल जाएगी, ठीक है जी, टी शर्ट प्रिंटिंग की मिल जाएगी, 5-in-1 कॉम्बो से लेकर 100-in-1 कॉम्बो तक मिल जाएगी, उसके बाद जो है आपको मग मशीन मिल जाएगी, टाइल्स प्रिंटिंग, बहुत सारे मशीन्स हैं जो स्टार्टअप में नीड होता है, प्लॉटर्स मिल जाएंगे, प्रिंटर्स मिल जाएंगे, एवरीथिंग। मतलब एक प्रिंट बिजनेस स्टार्टअप के लिए सब्लिमेशन इंडस्ट्री में जो भी लगता है A to Z देंगे, साथ में फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड हो तो फ्रेंचाइजी भी देंगे आपको। आपको जैसा आपको सही लगे दोस्तों वैसा आप इनसे सर्विस ले सकते हैं, और बाकी कॉल वगैरह आप करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर आपको नंबर मिलेगा और बाकी जानकारी कॉल करके दे देंगे सर जी ना। कॉल अगर नहीं लिफ्ट हुआ तो व्हाट्सएप कर दीजिए, आप लिख के भेज दीजिए आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, मोबाइल कवर, टी शर्ट, 5-in-1 कॉम्बो, मार्क प्रेस, जो बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, आपका नाम, सिटी का नाम, बिजनेस एक्सपीरियंस लिख के भेज दीजिए तो हम आपको उसका पूरा डिटेल्स जो है भेज देंगे, और ऑफिस आएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी देंगे, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग का कोई फीस नहीं है, याद रखिएगा। तो सर जी हमारी व्यूअर्स को ये बताइए कि आप सर्विस कहाँ कहाँ प्रोवाइड करवाते हैं इसके बारे में बताइए। सर्विस की बात करें अराउंड द ग्लोब कहीं भी, पृथ्वी पर कहीं से कोई क्लाइंट कॉल करता है पूरा वर्ल्ड से, तो उनको हम पूरा ऑप्शन दे रहे हैं, ट्रेनिंग फ्री है,
आप मंगा लो अपने शहर में, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, नेदरलैंड्स में हो, कनाडा में हो, साउथ अफ्रीका हो, यूएसए में, कहीं भी आप अगर मशीन मंगाना चाहते हो मंगा लो, हम वीडियो कॉल के जरिए आपको पूरा ट्रेनिंग देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपया ट्रेनिंग का नहीं लेंगे। तो सर जी, जैसे कि आपने अब्रॉड के बारे में बात करा, अदर कंट्री के बारे में बात करा, तो अभी आपने कहाँ कहाँ सर्विस प्रोवाइड किया है आपने? हमारा जो सर को मैंने दिखाया था वो दिखाया था, मालदीव्स का क्लाइंट्स है, कनाडा के हैं, गाना है, साउथ अफ्रीका है, नेदरलैंड्स है, यूएसए, हर जगह के क्लाइंट, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, हर जगह के क्लाइंट्स हैं अपने पास, ऑल भारत के अलावा। इस तरीके से देखा, अगर आप भारत के अंदर आप लेना चाहते हैं तो आप भारत के अंदर भी पूरी सर्विस आपको दे दी जाएगी, जो कि मशीनें वगैरह होती है, रॉ मटेरियल चाहिए रॉ मटेरियल आपको दिया जाएगा, अच्छे से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी जब भी आप मशीन लेने के लिए आते हैं तो। और ये काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर बिजनेस देखने को मिल जाता है। और सर जी, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? प्रॉफिट्स की बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट का जो है प्रॉफिट जो है 200% है। एग्जाम्पल देखो, ये मोबाइल कवर है, ये ब्लैंक कवर का कॉस्ट 20 रुपये का है, इसके ऊपर प्रिंटिंग कॉस्ट 3 रुपये का है, और यही वाला कवर ऑनलाइन में 300 रुपये का बिकता है, ना प्रॉफिट मार्जिन। तो सर जी, जैसे कि आपने इसका प्राइस बताया 20 रुपये, प्रिंट का खर्चा 3 रुपये, 3 रुपये, 23 रुपये, और भी कुछ होती है कुछ नहीं, 23 रुपये प्रॉफिटेबल। आप खुद जब प्रिंट करोगे मशीन लेके तो आपको 23 रुपये में रेडी हो जाएगा, आप आगे 300 रुपये का इजीली बेच सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से जो मशीन है वो वर्क करती है, पूरी जानकारी आपको देने वाला दोस्तों वीडियो के अंदर, बने रहिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, वीडियो के अंदर बने रहिए। अभी मैं आपको वन बाय वन इनके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, बने रहिए पूरी जानकारी जानने के लिए। अब आगे का जो वीडियो है प्रशांत जी दिखाएंगे आपको पूरा प्रोसेस A to Z, ध्यान से यहाँ से देखिएगा, फिर आप वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल करिएगा। ये देखिए दोस्तों, बने रहिए पूरी जानकारी जानने के लिए। तो अभी मैं आपको इनके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ किस तरीके से जो कि ये प्रोडक्ट बन करके तैयार होने वाला है मशीन के द्वारा। सर जी, हमारी व्यूअर्स को इनके बारे में बताइए क्या क्या किस तरीके से करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, अब मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए, ये जो है फ्लैट प्रेस मशीन है, ये जो फ्लैट प्रेस मशीन है, इस मशीन से कम 20,000 आइटम प्रिंट कर सकते हो, डिफरेंट टाइप आइटम्स। इसमें मैं आपको 3 आइटम दिखाने वाला हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। इसमें हर तरह का फैब्रिक प्रिंट हो जाएगा, जूता, शूज, नेकर, चड्डी, जो भी बलियान आपको जो भी इसमें प्रिंट करना है वो आप इसमें कर सकते हो इजी तरीके से। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे येलो टी शर्ट, ये देख लो येलो टी शर्ट पे हम लोग इस मशीन में आपको प्रिंट करने वाले हैं। देखो, हम इस मशीन को ऑन करता हूँ, ये देख सकते हो आपके सामने ऑन किया गया मशीन है, ठीक है। ऑन करने में इसको कम से कम 15 मिनट लगेंगे गर्म होने के लिए, ठीक है। ये देखिए, हीट होने के लिए 15 मिनट लगती है मशीन को, और स्टार्ट आप नया मशीन स्टार्ट करोगे उसमें 15 मिनट लगेगा। और ये प्लेन टी शर्ट आपको देखने को मिल जाती है, इसको किस तरीके से प्रिंट किया जाता है जी, इसमें पूरा दिखाएंगे आप कैसे इसको प्रिंट किया जाएगा। ये देख सकते हो, ये देख रख दिया है। पहले सबसे पहले आयरन किया जाएगा इसको, जैसे कि आपके रिंकल्स होंगे, आपके रिंकल है वो एकदम इजी तरीके से निकल जाएंगे। और नेक्स्ट जो आइटम रहेगा हमारा, ये रहेगा प्रिंट, जो आपको देख सकते हो ये प्रिंटर से एक प्रिंट निकाला हुआ। ये नॉर्मल प्रिंटर से भी निकाल सकते हैं सर जी? नहीं नहीं, नॉर्मल प्रिंटर से नहीं, ये सब्लिमेशन प्रिंट है, ठीक है। उसके लिए ये वाला प्रिंटर आपको चाहिए दोस्तों, ये वाला देखिए दोस्तों, इस तरीके वाला चाहिए। और प्लस इसमें इंक पेपर और डिफरेंट टाइप्स इंक रहता है, ठीक है। ये जो पेपर है क्यूटी ट्रांसफर पेपर है, क्यूब ट्रांसफर पेपर, जो 99% ट्रांसफर करेगा, ठीक है। आपके सामने आपको रिजल्ट दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों, आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं किस तरीके से वर्क करती है दोस्तों। ये देखिए, ये रख दिया है, बस सिंपल सा है, आप इसको प्रेस करिए, ओनली 60 सेकंड में आपका प्रिंट होकर रेडी हो जाएगा। 60 सेकंड का हो जाएगा सर जी? बिल्कुल, 60 सेकंड में आपका प्रिंट हो जाएगा। 60 सेकंड में आप देख सकते हो जैसे टी शर्ट है आपको वैसे निकल के आने वाला है टी शर्ट। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से देख सकते हो, इस मशीन में स्टोन होते हैं, स्टोन देखा होगा आपने। हाँ सर जी, हाँ, ये जो स्टोन है ये स्टोन प्रिंटिंग है, ठीक है। ये जो ये भी एक स्टोन प्रिंटिंग है, ये देख सकते हो। तो ये जो है ये मेटल है, ये फ्रेम्स वगैरह, ये भी इसी मशीन में प्रिंट हो जाता है इजी तरीके से। जैसे स्कूल की बात करूँ, लाइन यार्ड हो गया, और जो मैंने टी शर्ट पहन रखे मैं ये मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। अच्छा, यहीं पे प्रिंट किया, क्या बात है दोस्तों। इस तरीके से देखे, क्वालिटी भी देखिए दोस्तों, इस तरीके से देखे। और ये जो लगा हुआ है सर जी, उतरेगा तो नहीं ना? नहीं सर, मैं खुद यूज कर रहा हूँ, मैं तो बहुत टाइम से इसको यूज कर रहा हूँ। प्लस ये जो है विनाइल है, ये प्रिंट अलग अलग टाइप रहते हैं, बहुत सारे प्रिंटिंग रहती है, यानी कि ये नहीं कि आप सोचोगे कि एक ही प्रिंटिंग हो जाएगी सब पे, अलग अलग प्रिंट रहता है, अलग अलग पेपर रहते हैं उसमें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप पेपर रहते हैं। जैसे कि आप पेपर दिखाऊं आपको, ये से देख सकते हो उधर। सर जी, वो मशीन इंडिकेट कर दिया है, इसका मतलब यानी ये कंप्लीट हो चुकी है? बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, अभी वीप कर रही है, अब इसको ओपन करो आपके सामने आपको, यानी कि आपको टाइम देखना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक मशीन ही बता देगी कि भैया कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये ट्रांसफर हो गया, हाँ ठीक है। और ये जो ये देखिए दोस्तों, क्या बात है दोस्तों, इस तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसी वाली आपको सर्विस मिलने वाली दोस्तों।
फर्स्ट टाइम दिखा रहे हैं मेरे चैनल के द्वारा, आपको यहाँ पर किसी तरीके की भी आपको दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों क्वालिटी देखिए, मशीन के द्वारा यहाँ पर किया गया प्रिंटिंग रहने वाली है। ये देखिए कभी फील नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी कर सकते हो इसको। और ये जो कि ये प्रिंट हुआ है कभी भी नहीं उतरेगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना सर जी। लाइफ टाइम प्रिंटिंग है, कपड़ा फट जाएगा, प्रिंट नहीं जाएगा। ये देखिए दोस्तों, देखिए सेकंड आइटम जो दिखाने वाला हूँ, सेकंड जो प्रिंट है मेरा, ये देख सकते हैं, ये एक नेवी ब्लू टी शर्ट, ठीक है, कोई कॉटन टी शर्ट है, जींस है, आपकी शर्ट है, आपने जो भी आपने ऊपर से नीचे तक पहन रखा है वो सब प्रिंट हो जाएगा इसमें। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ टी शर्ट है, ठीक है, इसी को भी हम लोग प्रिंट करेंगे, पर लेकिन दूसरा पेपर इसमें यूज होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, अगर आपका खुद का डिजाइन भी अगर आया है तो आप यहाँ पर आकर के मशीन लीजिए, अपना खुद का डिजाइन भी आप प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। ये है एक पेपर है, इसको बटर पेपर बोलते हैं, जिसपे ये ट्रांसफर किया गया है। और ये पेपर भी आपको यहीं पर मिल जाएगा ना सर जी? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा। ये देखिए 5 सेकंड्स में, मात्र 5 सेकंड्स में आपका प्रिंट होगा, रेडी हो जाएगा। ये देखिए 5 सेकंड के अंदर ये पूरा प्रिंट है कम्प्लीटली। सामने गिनूंगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आपका प्रिंट रेडी हो गया। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको पील करेंगे, आपका प्रिंट रेडी हो जाएगा एकदम इजी तरीके से। आप फील करके देख सकते हैं आपको कैसे प्रिंट आया है ये, ठीक है। जैसे कि अब ये देख सकते हो इतने सारे डिजाइन्स लगे हुए हैं ना, ये जो है सब इसी में हुआ प्रिंट है। ये देखिए दोस्तों, इसी मशीन के द्वारा ये पूरा कंप्लीट हुआ डिजाइन देखने को मिल जाता है। आपके सामने निकाल रहा हूँ मैं, ये देखिए दोस्तों, यानी कि कई बार क्या होता है कि ये पेपर है ना, पेपर पर ही चिपक जाता है, तो इस पे देखो पेपर पे ऊपर भी नहीं चिपका है। ये देखिए कम्प्लीटली टी शर्ट के ऊपर ही चिपका है ना सर जी? जी जी, टी शर्ट के ऊपर है। ये देखिए आप फील करके देखिए, फिर बताइए कैसा ये लग रहा है। पूरा प्रिंट हो चुका है दोस्तों, इस तरीके से देखे काफी अच्छा सुंदर लुक आपको देखने को मिल जाता है। अपने पास में जो भी डिजाइन है वो भी आप ले सकते हैं, और बाकी डिजाइन हो, कोई भी कपड़ा हो, लेदर, रैगजिन, ये बोलते हो ना, बस एक रबड़ प्रिंट नहीं कर सकते आप इसमें, नहीं तो ए टू जेड चीजें कर सकते हो, रैगजिन कर सकते हो, एंड लेदर, अगर जो लेदर है आपका लेदर भी इसमें प्रिंट हो जाएगा इजी तरीके से। ये देखिए दोस्तों, काफी अच्छा आपको यहाँ पर लुक मिल जाता है। तो सर जी, अब नेक्स्ट कौन सी दिखाने वाले हैं? नेक्स्ट आइटम जो है मोबाइल कवर, जो आपके सब लोग आप लोग यूज करते हैं मोबाइल कवर, एक 2D मोबाइल कवर है, ये देख सकते हो, ये जो कवर है इसको हम लोग इस पे प्रिंट करने वाले हैं। ये ट्रांसपेरेंट है या क्या है सर? ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर है ये इस पे ये जो है, ये पेस्टिंग है इसका। अच्छा, इसका पेस्टिंग है। जी जी, देखिए आप देखिए, इसको निकाला जाएगा यहाँ से, इसको निकाल देंगे, ये जो लेयर होगी लेयर को निकालेंगे, फिर ये जो पेपर है ये पेपर को देखेंगे, और इस पे ये जो टेप है ये नॉर्मल टेप नहीं है, ये हीट रेजिस्टेंस टेप है। अच्छा, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोस्तों, कोई नॉर्मल टेप नहीं है, ये क्या है 200 सेल्सियस में जाएगा, 300 सेल्सियस में भी जाएगा, जब भी ये जलेगा नहीं टेप इसका। अच्छा, इसका ये कारण होता है दोस्तों, यानी कि जलेगा नहीं दोस्तों हीट होने के बाद। अब ये रख दिया ऐसे सिंपल एकदम तरीके से रखना है, मात्र 70 सेकंड्स में प्रिंट हो जाएगा। 70 सेकंड कह रहा हूँ मैं, कम से कम इसमें आप कम से कम 16 एक बार में प्रिंट कर सकते हो, एक बार हीट में, यानी कि नंबर वाइज आप रख करके एकदम जितना स्पेस है उसके हिसाब से आप रख के आप प्रिंट कर सकते हो इसमें इजी तरीके से आप रख करके आप कर सकते हैं प्रिंट, और इस तरीके से देखने को मिल जाता है। जी जी बिल्कुल, इसमें ये नहीं है कि आपको कि सिर्फ एक ही काम के लिए यूज हो रहा है, एंड मल्टीपल यूज है, मतलब जो भी आपका आइटम है, आपको आयरन करना है इसमें आयरन भी कर सकते हो। अच्छा, इजी तरीके से कुछ भी कर क्या सकते बात है दोस्तों तो ये इसमें हर तरह का, लेकिन आयरन करना नहीं दोस्तों, लेकिन जो जिस चीज के लिए जो मशीन बनी हुई है उसी को यूज लेना चाहिए दोस्तों, यूज लेना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, दुनिया का कोई भी प्रिंटिंग अगर जो होता है ना, वो सिर्फ हीटिंग से ही होता है। हाँ सही बात है, तो इसमें हीटिंग सबसे जरूरी है प्रिंटिंग अगर जो आप कर रहे हो तो। और दोस्तों जो भी आप जूते वगैरह भी, जैसे कि ये नीचे वाला जो होता है इसको भी मशीन की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, तो ये देखिए मशीन, कोई भी, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड का कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसमें आपको हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर जो टी शर्ट है, DTF है, DTG है, एंड बहुत सारी प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग लाइन इतनी सी नहीं है, प्रिंटिंग लाइन बहुत बड़ी है, तो प्रिंटिंग हर तरह की प्रिंटिंग है, उसमें सब चीज हीटिंग ही। ये देखिए दोस्तों, ये मशीन भी इंडिकेट कर दिया है कम्प्लीटली, और अब आप देख सकते हैं लाइव रिजल्ट भी दिखा देते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये देखे दोस्तों इस तरीके से, देखिए अभी बहुत ज्यादा गर्म है इसलिए। अच्छा, थोड़ा ये देखिए ये निकाल दिया है, क्योंकि हीट है ना काफी ज्यादा, ज्यादा हीट है सर, बहुत ज्यादा हीट है। ये देखिए, बताइए दोस्तों कुछ कमी है तो बताइए। ये रिजल्ट देखिए, फाइनल रिजल्ट आपको ऐसा देखने को मिलता है। जी, पहले सबसे पहले इसको लेयर को निकालेंगे। अच्छा, ये लेयर को निकाल दिया, निकालने के बाद आपका मोबाइल कवर है, हीट कितना नॉर्मल हीट है दोस्तों, अभी नॉर्मल हो गया। ये देखिए, ये मोबाइल कवर आपका रेडी हो गया। इस तरीके से पूरा कम्प्लीटली आपको ये देखने को मिल जाता है मोबाइल कवर, आप देखिए इसको लगा के आप यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और जो भी अपनी जो भी आपकी डिजाइन है वो आप डिजाइन है वो आप लगा सकते हैं। आपको कस्टमाइज लगाना है, आपको
कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जैसे भी आप काम करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। आप सर जी कौन सी बताने वाले हैं? 3D मोबाइल कवर दिखाने वाला हूँ, ये आप देख सकते हो आपके सामने 3D मोबाइल कवर है, ये है 2D मोबाइल कवर और ये है 3D, यानी कि 3D बोले तो चारों साइड प्रिंट हो सकता है। अच्छा। अंदर करना चाहते हो, साइड्स में करना चाहते हो, ऊपर करना चाहते हो, कहीं भी आप इसमें ए टू जेड प्रिंट कर सकते हो। तो ये है 3D मोबाइल कवर, ये है हमारा डिजाइन। 3D के लिए दूसरी मशीन यूज होती है सर? बिल्कुल, 2D के लिए आपको ये वाले मशीन आपको देखने को मिल जाता है, आपको यूज करना पड़ेगा ये, इस तरीके से आपको मिल जाता है। ये देखिए, अब हम दूसरी वाली मशीन पे चलते हैं। सर जी पहले तो हमारी व्यूअर्स को इस मशीन का नाम बताइए। ये जो मशीन है ST3042 मशीन है। ये जो है मशीन है आपकी 300 आइटम बना सकती है, जैसे कि टाइल हो गया, स्टोन हो गया, मग हो गए, एंड टकीला ग्लासेस हो गया, प्लेट्स हो गया, प्लेट फुल प्रिंट करना हो उस टाइप से आइटम आप कर सकते हो। ये जो देखिए मैंने काट दिया है, इसको लगाया जाएगा। ये भी देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, अब ये देखिए साइडों में भी इसमें लग रहा है, तो साइडों में भी इसके साथ प्रिंट होगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से पूरा अच्छे से लगा दिया गया है और ये 3D प्रिंट आपको करके दिखाएंगे दोस्तों किस तरीके से करके दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले इसमें ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, क्योंकि 200 सेल्सियस में हमारा हाथ जाएगा, कचुंबर बन जाएगा, तो इसलिए ग्लव्स पहनना सेफ्टी सबसे जरूरी है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें जानकारी दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी दोस्तों। ये जो डाई है इसको अटैच करना है। अच्छा, इसमें डाई भी डिफरेंट साइज की होती है सर जी? जी जी, अलग अलग टाइप की डाइस होती है। ये देखिए, इसमें वैक्यूम दिया जाएगा, ये देखिए, देने के बाद आपका ये जो है वैक्यूम ले लेगा। ये देखिए कैसे वैक्यूम ले रहा है, सही वैक्यूम ले लिया दोस्तों। लगने के बाद इसको रफ करेंगे और इसको लगा देंगे, ओनली 1 मिनट में आपका मोबाइल कवर रेडी हो जाएगा। ओनली 1 मिनट, 1 मिनट में हो जाएगा सर जी? 1 मिनट में 6 मोबाइल कवर आप प्रिंट कर सकते हैं इस मशीन में जी। एक साथ 6 कर सकते हैं, एक बार 1 मिनट में 6 मोबाइल कवर आप प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, डाई सेम रहेगी या अलग अलग रहेगी? डाई कोई से भी यूज कर सकते हो, डाई में डिपेंड नहीं है, साइज का डिपेंड करेगा। अच्छा, साइज का डिपेंड। अगर जो आपका साइज टैब का है, टैब इतना बड़ा होता है तो टैब के सिर्फ 2 ही मॉडल आएंगे। अगर जो आपका साइज आईफोन का थोड़े छोटे मॉडल्स का है तो आपका मिनी का हो गया जैसे कि, तो उसमें 6 मोबाइल कवर एक साथ में कर सकते हो। एक मोबाइल कवर 10 सेकंड में हो गया। हाँ, एक मोबाइल का और 10 सेकंड के अंदर सेकंड में आपका ट्रांसफरली हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से देखिए जितने भी आपको देखने को मिले इनके खुद के यही बनाए हुए हैं ना। ये जो टकीला गिलास है, ये जो है ये भी इस मशीन में प्रिंट कर सकते हो। जब टकीला बार में यूज होता है वो इस मशीन में, ये जो कि नॉर्मली गिलास वगैरह होते हैं उन पर भी आप प्रिंट कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आप प्रिंट कर सकते हैं। 3D प्रिंट आपको देखने को मिलेगा, प्रिंट हो चुका है, मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ। ये देखिए 1 मिनट में आपका ट्रांसफर हो गया। ये देखिए, ये मशीन अपने आप इंडिकेट कर देती है क्या सर जी? जी जी बिल्कुल इंडिकेट कर देती है। ये देखिए, इसमें बल्क में आप कवर वगैरह भी बना सकते हो, जैसे कि मग वगैरह बनाने में वो भी कर सकते हो। देखिए काफ़ी गर्म है तो मैं इसको ग्लव्स पहन लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए, सेफ्टी पहली जरूरी होती है दोस्तों, और यहाँ पर ये देखिए कम्प्लीटली ये पूरा ग्लव्स आपको बन करके तैयार हो गया दोस्तों। इस तरीके से देखिए साइड्स में आपको प्रिंट मिलेगा, पूरा ही कम्प्लीटली प्रिंट हो गया सर जी। अगर करना है अपना नाम करना चाहते हो, आपके ब्रांड का नाम साइट्स में देख सकते हो कितना प्यारा प्रिंट हुआ है, ये देख सकते हो। ऐसे देखिए आप प्रिंट कर सकते हो, आप अपना जो भी कंपनी का ब्रांड आप इसमें लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा जो रहने वाला हमारा मग, जो आप लोग घर में यूज करते हो कॉफी वगैरह के लिए, चाय के लिए, तो वो मैं प्रिंट करने वाला हूँ इसमें। ये देख रहे हो, हार्ट बीट में प्रिंट करने वाला हूँ इसमें, ये देख सकते हो। अच्छा, इसी मग पे? हाँ जी, इसी मग पे आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। ये देखिए, पहले सबसे पहले जो डिजाइन है कटिंग होगा, जो भी आपका डिजाइन रहेगा उसको कटिंग करना सबसे जरूरी है। और कटिंग करके ये जो आपका मग है एकदम सिंपल तरीके से देखना है और इसको लगा देना है ऐसे करके। इस तरीके से इस पे लगा दिया गया दोस्तों, साइज के अनुसार आप भी काट सकते हैं, काट करके इस मग पर आप इस तरीके से चिपका सकते हैं। और ये आपका लग गया। और ये वाली टेप को क्या बोलते हैं सर जी? हीट रेजिस्टेंस टेप बोलते हैं। हीट रेजिस्टेंस टेप आपको मिल जाती है जी। ये देखिए, जिस चीज के लिए जो चीज यूज होती है वही चीज आपको यहाँ पर लगानी चाहिए दोस्तों। ये जो है आपकी मग प्रेस मशीन है, अब इसमें ऐसे लगाया जाए। इस मशीन को क्या बोलते हैं? ये सिंगल मग प्रेस मशीन है, सिंगल मग प्रेस है, बस खाली आपको प्रेस करना है, कुछ चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये प्रेस कर दिया, ऑटोमेटिक टाइमिंग रिलीज हो जाएगा। इसमें कुछ सेट वगैरह करना होता है कि इतना टेम्परेचर होना है? नहीं, इसमें कुछ सेट नहीं करना होता है, वैसे टेम्परेचर जो रहता है इसका 200 टेम्परेचर, 120 सेकंड्स में आपका प्रिंट होके रेडी होके आपको मग तैयार मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से मिल जाता है।
और ये मशीन भी अपने आप इंडिकेट कर देती है ना जी, बिल्कुल इंडिकेट करेगी। देखो आपके सामने ही वीप करेगी, आप देख सकते हो आपके सामने वीप करेगी जब तो वीप करने के बाद आपका आपको जो प्रिंट है वो हो जाएगा, फिर उसके बाद आप देख सकते हो रिजल्ट क्या रहेगा। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, रिजल्ट वगैरह भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये वाली मशीन देखिए, मग वगैरह के लिए वगैरह, जैसे देखिए ये जो मग है ग्लेटर मग, ये भी इस मशीन में प्रिंट कर सकते हो। एंड मेटेलिक मग हो गया, जैसे कि ये मेटल मग है, ये देख सकते हो मेटल मग है ना, ये मेटल मग है, मतलब अलग अलग टाइप्स मग इसमें मशीन में कर सकते हो इस मशीन में। ये देखिए दोस्तों हमारा प्यारा भारत का जो फ्लेग है, ये टाइल्स पे किया हुआ सर जी, ये स्टोन है सर, ये देखिए पत्थर है, पत्थर पे आप प्रिंट कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये इसके लिए कौन सी मशीन यूज होती है सर जी? ये अपनी 3D मशीन है, 3D मशीन आपको मिल जाती है। तो ये काफी सुंदर, आप देखिए अपना प्यारा देश का फ्लैग, इंडियन फ्लैग, भारतीय फ्लैग ये मिल जाता है। और अभी देखिए ये पूरा काम हो रहा है यहाँ पर, और ये भी देखिए इस तरीके से देखिए, ये सर सेकंड जा रही है ना जी, ये सेकंड रिलीज हो रहा है, जीरो पे जाएगा, उसके बाद आपका जो रहेगा टाइमिंग जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से देखिए, कहने का मतलब यानी टाइल्स पे जिस चीज़ पे आप चाहिए वैसे आप प्रिंट कर सकते हैं ना जी। जी टाइल पे हो गया, स्टोन हो गया, आपके घर में टाइल लगाना चाहते हो वो भी कर सकते हो, वुडन पे कर सकते हो, मेटल पे कर सकते हो, आप फैब्रिक पे कर सकते हो, ठीक है। फैब्रिक के अलावा लेदर हो गया, रेगजिन हो गया, जितने भी आइटम्स हैं मतलब जितने भी आपके धातु होते हैं उस पर सब पे प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि मेटलिक हो गया, मेटल एक अलग आइटम है, मेटल के प्रोडक्ट जो होते हैं मेटल में कम से कम 400-500 प्रोडक्ट होंगे, फिर सिरामिक में आते हैं, सिरामिक में अलग प्रोडक्ट होते हैं, फैब्रिक में आते हैं ओल्ड फैब्रिक जो होता है, फैब्रिक अलग है, रेगजिन अलग है, लेदर अलग है, एंड बहुत सारे आइटम हैं। देखिए ये इंडिकेट कर दी मशीन ना सर जी, बिल्कुल इंडिकेट कर दिया, देखिए आपके सामने निकालने वाला ये बल्ब, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए काफी गर्म है, थोड़ा सा ध्यान से निकालना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, हार्ट यहाँ पर कम्प्लीटली बन करके तैयार हो चुका है। आप बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसा लगा ये वाला काफी सुंदर लुक, और आप जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिखाने वाले हैं सर जी हमारी जी, अभी तो मैं दिखाता हूँ आपको ये मशीन है, कैप प्रेस मशीन, इसमें प्रिंट करके नहीं दिखाएंगे आपको, आपको मैं अच्छा उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं दोस्तों किस तरीके से क्या क्या। ये जो है कैप प्रेस मशीन है, ये कैप यानी कि एक 5-in-combo मशीन है, 5 अटैचमेंट होते हैं इसमें, मग कर सकते हो, टी शर्ट कर सकते हो, बट इसमें साइज लिमिटेशन होती है, अगर जो छोटा स्टार्टअप कोई करना चाहता है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग स्टेज में है, तो वो इस मशीन को ले सकता है। यानी कि केप वगैरह टोपी वगैरह होती है, टोपी हो गया आपका, मग हो गया, एंड आपके वो हो गया जो होती है प्लेट्स हो गया, टी शर्ट्स हो गया, इस टाइप से आइटम इसमें कर सकते हो, 5-in-combo मशीन है। यानी कि 5-in-combo स्टिकर, यानी कि छोटे छोटे स्टिकर देखे होंगे आपने पीछे बैक में जो लगे होते हैं वो इस मशीन में प्रिंट कर सकते हो, स्टिकर के लिए ये प्रिंट हो जाती है। ये दोस्तों जितने भी आपको मशीन वगैरह देखने को मिलते हैं ना वो सारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। और ये देखिए आई कार्ड भी हो जाता है सर जी। जी जी आईडी कार्ड मैंने क्या बोला, आईडी कार्ड की आपकी जो लेंथ है ये देखिए, ये भी प्रिंट कर सकते हो, आईडी कार्ड प्लस प्रिंट कर सकते हो, आईडी कार्ड में जो भी डिफरेंट है, यानी कि जो ये यहाँ पर फोटो दिखाई दे रही है ये वाली फोटो के साथ में डिटेल वगैरह वो सारा प्रिंट कर सकते हैं, सारा कुछ प्रिंट कर सकते हैं इसी मशीन से। फ्लैट भी देखिए इस तरीके से, देखिए दोस्तों सारा आपको देखने को मिल जाता है, जितने भी आपको देखने को मिलता है इन्हीं मशीन से सारा वर्क किया जाता है। तो सारी आपको इस तरीके से जानकारी मैं आपको मिल चुकी है। इस जो है 99 सब्लिमेशन द्वारका सेक्टर 7 दिल्ली रामफल चौक में है, 11 सालों से यहाँ है। अब तक आपने वीडियो में देखा होगा मशीन्स और रॉ मटेरियल देखा होगा, अब मैं पूरा स्टूडियो का एक ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को कि स्टूडियो में क्या क्या प्रोडक्ट लाइव प्रिंट होकर रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो वैरायटीज ऑफ टी शर्ट्स आप प्रिंट कर सकते हो एक बिजनेस स्टार्टअप के लिए, उसके साथ आप राइनस्टोन प्रिंटिंग में भी आ सकते हो, उसके साथ आप स्माइली पिलोस प्रिंट कर सकते हो, टेडी पिलोस कर सकते हो, डिजिटल पिलोस कर सकते हो, मेटल वाले प्लेट्स पे प्रिंट कर सकते हो, ये मेटल प्लेट्स आप दिखा सकते हो सर व्यूअर्स को, कैलेंडर्स कर सकते हो, क्लॉथ कैलेंडर्स बना सकते हो, ये देखिए कैलेंडर वगैरह भी आप, उसके साथ 3D मोबाइल कवर्स का ओवरव्यू देख सकते दिखा सकते हो आप, उसके साथ विनाइल है, विनाइल प्रिंटिंग है, अवार्ड्स प्रिंटिंग है, बैग्स प्रिंटिंग है, ये पूरा स्टोन है, स्टोन के ऊपर प्रिंटिंग है ना, ये नेशनल फ्लैग देख सकते हो आप स्टोन के ऊपर प्रिंट किया हुआ है, उसके साथ टाइल प्रिंटिंग है, ग्लास प्रिंटिंग है, मग्स प्रिंटिंग है, मग्स में वैरायटीज ऑफ मग्स आप देख सकते हो, ग्लिटर मग्स है, उसके बाद ग्लॉसी मग्स है, वाइट मग है, टी कप्स है, टकीला शॉट्स है। इसके साथ थोड़ा अगर हम आगे बढ़े तो अब हम देखते हैं यहाँ जो MDF फ्रेम्स है, ये पूरे ग्लिटर MDF फ्रेम्स प्रिंटिंग है, टकीला शॉट्स के ऊपर है, घर में जो टाइल यूज होता है उसके ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े
लगा के पूरा आपको अगर कस्टमाइज करवाना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद एप्पल कट मग्स के ऊपर प्रिंट हो सकता है इसके ऊपर, और यहाँ मग्स के साथ अगर देखें तो स्कूल आईडी कार्ड हो जाएगा, लैनियार्ड हो जाएगा, कीचेन्स हो जाएंगे, उसके बाद जो है आईडी कार्ड्स हो जाएंगे, उसके बाद वैरायटीज ऑफ एमडीएफ फ्रेम्स प्रिंट हो जाएगा, स्कूल वाले बैग्स प्रिंट हो जाएंगे, और वायरलेस माउस प्रिंट हो जाएगा। अब स्टूडियो नंबर टू में चलते हैं। स्टूडियो नंबर टू में हम दिखाएं तो यहाँ जो है आपको कुछ प्रोडक्ट्स मैं दिखाता हूँ, जैसा अम्ब्रेला प्रिंटिंग कर सकते हैं हम लोग अम्ब्रेला के ऊपर, और उसके बाद रिवॉल्विंग लैंप्स के ऊपर कर सकते हैं, और यहाँ एलईडी लैंप्स के ऊपर कर सकते हैं, एलईडी लाइट्स डिस्प्ले बोर्ड्स के ऊपर, उसके बाद मेटल प्लेट्स के ऊपर कर सकते हैं। ये कैप्रीकल्चर है, इसके ऊपर हो सकता है, इसमें सिर्फ आपको जो है फोटो लगाना है, ठीक है, ये है। उसके बाद जो है शेडो बॉक्सेस है, रिवॉल्विंग लैंप्स है, मैजिक मिरर्स है, और उसके बाद जो है आप देख सकते हो इसको मैग्नेटिक क्यूब्स है, बाद एलईडी फ्रेम्स है, ये वाले, ये पूरा रो एलईडी फ्रेम्स का है, ये लाइट जलता है ये फ्रेम्स में, और ये स्पीकर के ऊपर लाइट जलता है, फोटो प्रिंटिंग होता है, मैग्नेटिक क्यूब्स है, ये कुशन्स है, कपल कुशन है। उसके और आप देखिए टी शर्ट वगैरह हो गए, कॉलर की, नेक की, सारे सभी तरह की आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद अगर बात करें तो ऐसा एमडीएफ शीट्स भी प्रिंटिंग कर सकते हो, ये एमडीएफ शीट है। अच्छा, ये हमारा कंपनी का डिटेल्स देख सकते हो, इसमें मैंने दे रखा है प्रॉपरली, ये क्लियरली इस तरीके से देखिए। कैप भी आपको मिल जाती है, कैप पर भी आप प्रिंट कर सकते हैं, कर सकते हो, कैप्स के ऊपर है, मोनोग्राम, लोगो, सिलेक्शन का काम है, एडवर्टाइजिंग, ब्रांड को किसी ब्रांड के साथ डील हो गया, बहुत सारे टी शर्ट्स चाहिए, 10,000, 20,000, 50,000, वो ऑर्डर्स भी आप बना सकते हो। टी शर्ट्स में वेराइटीज ऑफ कलर्स, वर्ल्ड का कोई भी कलर टी शर्ट प्रिंट हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, ये यहाँ पर एड्रेस आपको देखने को मिल जाता है 99 सबलिमिशन, और यहाँ पर देखिए ये एड्रेस आपको मिल जाता है रामफल चौक और द्वारका सेक्टर 7, और जब भी आप आते हैं तो कॉल करके आइए, आपको पूरी जानकारी डिटेल से आपको दे दी जाएगी दोस्तों।